कोस्ट ऑडिटर उसकी अपॉइंटमेंट एलिजिबिलिटी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कोस्ट ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे की जाती है कोस्ट ऑडिटर हैज टू बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ लॉ या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 233B ऑफ द कंपनी एक्ट सब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल अप्रूव बाय द सेंट्रल कंपनी लॉ बोर्ड अगर कंपनी लॉ बोर्ड अप्रूवल देती है तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होंगे वो कंपनी के जो ऑडिटर को जो है अपॉइंट कर सकते हैं दिस विल बी डन ऑन द रिसिप्ट ऑफ द स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम कंपनी लॉ बोर्ड गेटिंग ऑडिटर्स ऑफ रिकॉर्ड जब कंपनी लॉ बोर्ड आपको एक नोटिस भेज देती है कि आपको अपने कोर्स रिकॉर्ड का ऑडिट करवाना है तो उस टाइम पे कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो कोर्स ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू पास ए रेजोल्यूशन इन देयर मीटिंग जब भी अपॉइंटमेंट करनी है ऑडिटर की तो उसको एक रेजोल्यूशन पास करना होगा कंपनी की जनरल मीटिंग में जिसमें क्या सारी कंडीशंस हैं पहले से ही फॉलो कर ली जाएंगी अपॉइंटमेंट ऑफ द कोस्ट ऑडिटर मेड ऑफ चेक ऑफ ऑर्डर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट विद स्पेसिफाइड पीरियड जब आपने उसकी अपॉइंटमेंट कर ली उसकी जो स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट्स है आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देंगे 20 ऑडिटर हमने टाइम बिट फिक्स होता है मान लो 30 दिन के अंदर जैसे रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी होती है रिपोर्ट भी ऑडिटर हमारे पास रजिस्टर्ड हुआ है तो ये ऑडिटर हमारे कंपनी का ऑडिटर है उसकी रिपोर्ट वहाँ पे भेज द पर्सन वॉज अपॉइंटेड एज द कोस्ट ऑडिटर मस्ट होल्ड अ सर्टिफिकेट प्रैक्टिस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो बंदा कोस्ट अकाउंटेंट का ऑडिटर बन के आएगा उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ICW तो बंदा वो कोस्ट ऑडिटर बन सकता है कंसेंट ऑफ द कोस्ट ऑडिटर शुड बी ऑब्टेन्ड बिफोर मेकिंग एन अपॉइंटमेंट ऑफ कोस्ट ऑडिटर जो बंदा कोस्ट ऑडिटर आपकी कंपनी में बन के आया है उसकी कंसेंट लेनी जरूरी है कब लेनी जरूरी है कंसेंट का मतलब है उसकी मंजूरी भी हाँ वो कंपनी का कोस्ट ऑडिटर बनना चाहता है अपॉइंटमेंट के पहले उससे एक बार पूछ लो भाई तो हमारी कंपनी की कोस्ट ऑडिटर बनोगे ये ना हो जबरदस्ती उसको बांध के ले आए चल ऑडिट कर ऐसा कोई ऑडिट नहीं करेगा वो एंड द कंसेंट सब मस्ट बी सबमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द प्रेस्क्राइब फीस अलॉन्ग के कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड रेजोल्यूशन की जो कॉपी है उसकी फीस के साथ उसको कंपनी को भेजना चाहिए जो उन्होंने आपको रेजोल्यूशन आपने जो पास किया प्लस उसकी जो कंसेंट की मंजूरी की कॉपी थी वो भी कंपनी में आपको जमा करवानी जरूरी अप्रूवल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कोस्ट ऑडिटर कम्युनिकेट विद सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी कंपनी कंसिडरिंग द एप्लीकेशन नेम ऑफ ऑडिटर प्रोस्पेक्ट सब्जेक्ट कंडीशन कोस्ट ऑडिटर इज नॉट डिस्क्वालिफाइड जो कोस्ट ऑडिटर है उसको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाता अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर लेती है यहाँ उसके पास सर्टिफिकेट है उसने पहले भी ऑडिट की है अगर आप उसको डिस्क्वालीफाइड करना चाहते हैं तो उसका टाइम पीरियड रोटेशन होगा उसके बाद ही रोटेशन रिलीज होगा मीन्स कंपनी से हटेगा फिर है एलिजिबिलिटी जो कंपनी में अपॉइंटमेंट में आएगा कोस्ट ऑडिटर उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए एनी सच चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग एक्ट हैज बीन पास्ड एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो बंदा पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा होगा जिसने सर्टिफिकेट लिया होगा वो कोस्ट ऑडिटर बन सकता है कोस्ट अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ कोस्ट वर्क अकाउंट्स जिसने पहले ही कोस्ट वर्क अकाउंट्स का काम किया होगा वो बनेगा अदर पर्सन में होल्ड द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन उसके अलावा और पर्सन जिसके पास ऐसी क्वालिफिकेशन अभी हो चाहे वो पहले कोस्ट अकाउंटेंट आ रहा हो लेकिन उसके पास क्वालिफिकेशन है वो भी बन सकता है भी उसको पता हो इस काम की नॉलेज है कोस्ट ऑडिटर के राइट्स क्या होंगे मीन्स क्या क्या काम कर सकते हैं कोस्ट ऑडिटर सबसे पहले ही हैज राइट टू गेट ऑल फैसिलिटी असिस्टेंस फ्रॉम द रिलेटेड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म हिज ड्यूटीज कोस्ट ऑडिटर का काम करने के लिए उसको जितने प्रकार की फैसिलिटी की जरूरत होगी वो सारी कंपनी से ले सकता है चाहे पैनी जैसे भी उसने पीनी है खाली चाहे ठंडी भाई गर्म भाई जो भी पीनी है वो ले सकता है ठीक है उसके बाद ही हैज़ अ राइट टू चेक दी ऑल टाइम्स और रिकॉर्ड्स अकाउंट्स वाउचर्स कंपनी के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं या अकाउंट्स डिपार्टमेंट है जितने वाउचर्स एंट्री उन्होंने की हुई है उन सभी चीज़ों को चेक करना चाहिए तो चेक भी कर सकता है कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इज डिफॉल्ट नॉट प्रोवाइडिंग द रिकॉर्ड्स अकाउंट्स वाउचर एग्जामिनेशन टू द कोस्ट कंपनी या फिर कंपनी के कोई भी ऑफिसर जो डिफॉल्ट कर रहा था उन सबसे वो रिकॉर्ड मांग सकता है ये नहीं कि वो बोलेगा भी ये बंदा नहीं देगा सिर्फ हम लोग ही देंगे ऐसा कुछ नहीं है जिस बंदे को भी बोलेगा उसको रिकॉर्ड देने पड़ेंगे कंपनी कोई भी ऑफिसर उसे हैज़ ए राइट टू गेट सच इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ऑफिसर ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ही मे थिंक नेसेसरी परफॉर्मेंस ड्यूटीज अगर उसको लगता है कि कोई और भी इन्फॉर्मेशन किसी ऑफिसर से लेनी है उसके हिसाब से तो किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछ कर सकता है और अपने आंसर ले सकता है इन्फॉर्मेशन वहाँ से इकट्ठे कर सकते हैं ये सारे उसके राइट थे फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कोस्ट ऑडिटर ही शुड मेंटेन हिज वर्किंग पेपर्स एज एविडेंस इज हैविंग केयर्ड ऑफ ड्यूटी जितना उसने अपना काम
किया उसके लिए उसको रिपोर्ट बनाने होंगे, अपने ड्यूटीज की रिपोर्टिंग जो पेपर बनाने हैं उसका रिपोर्ट बनाना होगा. ही इज रिस्पॉन्सिबल टू आंसर एनी क्वारी रिक्वायर्ड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इंक्वायरी मांगती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसका जवाब भी उनको लिखित रूप में देगा. ही इज लेबल टू कंपनी इफ ही डू नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी परफॉर्म. कंपनी के लिए वो जिम्मेवार हो जाएगा अगर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा. अगर कंपनी को लगता है हमारी कॉस्ट बढ़ाते चला जा रहा है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन अपना ऑडिट जो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे वो कंपनी के लिए लेबल हो जाएगा, कंपनी को पे करना पड़ेगा उसको. ही आल्सो ओन ए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड पार्टीज हु माइट हैव मिसन विद हिज ऑडिट सर्टिफिकेट. वो अदर पार्टीज के लिए भी जिम्मेवार होता है जो कंपनी के कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स के लिए साथ जुड़े होते हैं. मान लो कंपनी के शेयर होल्डर्स हो गए जिनको चाहिए अभी कंपनी की, या फिर कंपनी के कस्टमर्स हो गए जिन्होंने कॉस्ट ऑडिट करवाया और जिन्होंने बोला कॉस्ट ऑडिट होना चाहिए. अगर टाइम टू टाइम उनकी रिपोर्ट्स नहीं मिलती है तो उन लोगों के लिए भी जिम्मेवार हो जाता है, तो टाइम टू टाइम उनको भी रिपोर्ट्स बना के देगा. फिर है कॉस्ट अकाउंट्स इन इंडिया. कॉस्ट अकाउंट्स इन इंडिया कब से स्टार्ट हुआ कुछ पता है? कॉस्ट अकाउंट ऑडिट रिकमेंडेड इंडियन इंडस्ट्री विवियन बोस इंक्वायरी कमीशन. तो ये विवियन बोस इंक्वायरी कमीशन था, उन्होंने स्टार्ट किया था. कॉस्ट ऑडिट इज नेसेसरी फॉर ऑप्टिमम फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स बाय इंडियन इंडस्ट्री. जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं ताकि वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें रिसोर्सेज का, इसलिए कॉस्ट ऑडिट जो होना स्टार्ट हुआ. कंपनी एक्ट प्रोवाइड द ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑडिट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट जब बोलते हैं तो कंपनी ऑडिट करवाती है. कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स रूल 1968 लेट डाउन द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक सर्टन इंडस्ट्रीज टू गेट बुक्स कंपलसरी ऑडिट इन एवरी. 1968 में गवर्नमेंट ने रूल पास किया भी ऐसी कौन सी कंपनी है जिनके लिए कॉस्ट ऑडिट का रिपोर्ट बनाना जरूरी है. नीचे लिखा सबसे पहले फॉलोइंग इंक्लूस आइटम्स इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट. आपको क्वेश्चन आ सकता है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में कौन से आइटम इंक्लूड होती है, बाहर होती है. सबसे पहले है जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कंपनी एंड कॉस्ट ऑडिटर. कंपनी की इन्फॉर्मेशन और कॉस्ट ऑडिटर कौन है कंपनी में उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. ब्रीफ अबाउट ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन और प्रोडक्शन कैपेसिटी. कंपनी किन चीज़ों का प्रोडक्शन कर रही है, किसको यूटिलाइज कर मीन्स किन चीज़ों को चेंजेस कर रही है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है कंपनी की, एक दिन में कितना बना रहे हैं या फिर एक महीने में कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, जीडीपी लेवल की रिपोर्टिंग रिपोर्ट चाहिए. डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट दी वेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉई. कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं उनकी वेजेस या फिर सैलरी कितनी जा रही है. डिटेल नोट अबाउट दी मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ दी कंपनी. जो कंपनी मैनुफैक्चरिंग का काम कर रही है उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए. इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ कंपनी करंट एंड प्रीवियस ईयर. इस साल और पिछले साल में कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन कैसी थी, इसके मतलब बैलेंस शीट कंपनी की ऑलवेज अवेलेबल होनी चाहिए. करंट पोजिशन का मतलब यही होता है कंपनी की बैलेंस शीट, ठीक है, या फाइनेंशियल पोजिशन. डिटेल रिपोर्ट अबाउट दी रूल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. कंपनी अपनी सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स कर रही है, प्रोडक्शन के क्या रूल है, वो भी रिपोर्ट्स होनी चाहिए. नोट ऑन स्पेशल एक्सपेंसिव विच हैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्सपेंस प्रोसेस. प्रोडक्शन के लिए कोई स्पेशल खर्चे हम करते हैं तो उसके भी रिपोर्ट्स होनी चाहिए. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बोथ इन टर्म ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस. कंपनी में जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसकी कितनी क्वांटिटी आ रही है प्लस उसमें कितना आपका पैसा लगा है उसकी भी रिपोर्ट प्रॉपर होनी चाहिए. डिटेल अबाउट दी कॉस्ट ऑफ पावर स्ट्रीम फ्यूल यूज इन दी प्रोडक्शन. प्रोडक्शन सर्विस में हमने कितनी बिजली एनर्जी वगैरह यूज़ की है, वो सारी चीज़ें रिपोर्ट होनी चाहिए. इन्फॉर्मेशन अबाउट अबनॉर्मल फीचर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोडक्ट ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर में हमें कितने ऐसे खर्चे हुए अबनॉर्मल लॉस जिनके बारे में पहले से डिसाइड नहीं हुआ होता. मान लो कोई बार आग उग लगी या तूफान तूफान आया, जैसे ठीक है अभी आजकल के सुना होगा आपने कोई मोनी तूफान आ रहा है, ठीक कहाँ पर आ रहा है, उड़ीसा की तरफ में आ रहा है, तो ऐसे जो खर्चे हैं उनके बारे में पहले से बताना चाहिए. पता है किसी को एक लड़की में. डिटेल अबाउट दी स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट ऑफ दी कंपनी. कंपनी में कितने स्टोर हैं, वहाँ पे कितने स्पेयर पार्ट पड़े हैं, ठीक है, वो सब कुछ आपको बताना चाहिए. डिटेल अबाउट दी डेप्रिसिएशन पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंट. अपनी कंपनी में डेप्रिसिएशन पॉलिसी कैसे यूज हो रही है, कैसे उसको लगाते हैं, मीन्स डेडलाइन है या फिर रिटर्न है, वो पहले आपको क्लियर होना चाहिए. फिर है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट एंड इट्स फॉर्मेट. कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कैसी बन क्या कब बननी चाहिए और कितने दिन में पहुंच जानी चाहिए. आफ्टर कैरिंग द कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट हैज प्रिपेयर डिटेल रिपोर्ट ऑन कॉस्ट ऑडिट. जब भी कॉस्ट ऑडिट हो जाता है तो कॉस्ट ऑडिट की जिम्मेवारी की कॉस्ट ऑडिट की वो रिपोर्ट बनाएगा एज पर द रूल ऑफ 1968. अंडर रूल से प्रेस्क्राइब फॉर्मेट कॉस्ट ऑडिटर हैज टू प्रेजेंट द रिपोर्ट बिफोर द कंपनी लॉ बोर्ड. इट्स कॉपी शुड बी सेंट टू द कंपनी टू प्रेजेंट द डेट ऑफ बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग. कंपनी लॉ बोर्ड को भेजने से पहले कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट जो है कंपनी के डायरेक्टर्स को भेजेगा, उनकी जनरल मीटिंग से पहले वो चेक कर लें. अगर किसी पर प्रॉब्लम है तो उसको चेंजेस कर लिए जाएंगे, फिर वो कंपनी लॉ बोर्ड के पास चली जाएगी बिफोर 60 days इन एडवांस. मीन्स कंपनी के 2 महीने पहले, जब एनुअल जनरल मीटिंग होने से 2 महीने पहले रिपोर्ट रेडी हो जानी चाहिए.
any clarification is out by the company law board within prescribed period of auditing, post audit will have it. Other company law board को लगता है कि इस चीज की problem है तो post audit को उसको clarify करना पड़ेगा. अगर वो किसी भी प्रकार की violation करते हैं means कोई rule तोड़ता है तो उसको 500 रुपए जुर्माना लगता है. 500 रुपए जुर्माना 1968 के हिसाब से था आज के time में तो ज़्यादा ही. तो post audit report का आपके पास format भी पड़ा है. वो उन्होंने देखो format आप देखो.